नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलिजाबेथ बॉर्नी के बारे में। जी हां, एलिजाबेथ बॉर्नी, जिन्हें अभी हाल ही में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा आज के इस वीडियो में देखेंगे फ्रांस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन सभी को भी साथ ही साथ आज के इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, जो कि वीडियो के एंड में है, जिसका आंसर आपने करना है नीचे कमेंट सेक्शन में। तो बिना आपका ज़्यादा समय लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें यह भी चर्चा में क्यों थी, तो अभी हाल ही में जो एलिजाबेथ बॉर्नी है, इन्हें फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। ये लेबर पार्टी से बिलोंग करती हैं और साथ ही साथ इनकी जो नियुक्ति है ये फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन के द्वारा की गई है। इसके अलावा इससे पहले जो फ्रांस के प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम क्या था, इनका नाम था जीन कैस्टेक्स। इससे पहले फ्रांस के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने अभी हाल ही में जब भी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन चुने गए, तभी से यह कयास लगाई जा रही थी कि जो जीन कैस्टेक्स है ये अपने पद से इस्तीफा देने वाले हैं। हालांकि फाइनली इस पर मुहर तब लगा जब फ्रांस के राष्ट्रपति कार्यालय, जिसका नाम क्या है, इसका नाम है एलिसी पैलेस ने फाइनली जब इस पर अपनी मुहर लगाई और जो फ्रांस के पूर्व प्रधानमंत्री थे जीन कैस्टेक्स, इनके इस्तीफा को राष्ट्रपति ने स्वीकार किया। इसके अलावा जो एलिजाबेथ बॉर्नी है, ये फ्रांस की दूसरी, जबकि वर्ष 1992 के बाद फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त की गई हैं। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो एलिजाबेथ बॉर्नी है, इनसे पहले एडिथ क्रेसन, जो कि वर्ष 1991 से लेकर 92 तक फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त की गई थी। इसके साथ ही साथ बात एलिजाबेथ बॉर्नी की करें तो ये इससे पहले श्रम मंत्री के रूप में कार्यरत थी, यानी प्रधानमंत्री बनने से पहले ये श्रम मंत्री के रूप में कार्यरत थी। इसके साथ ही साथ फ्रांस के अंतर्गत किसी भी एक राष्ट्रपति के कार्यकाल के अंतर्गत, राष्ट्रपति का कार्यकाल जो कि 5 वर्षों का होता है, इस टेन्योर के अंतर्गत एक से अधिक प्रधानमंत्री का होना यहाँ बिल्कुल आम बात है। ठीक है, यहाँ यानी कि यहाँ ऐसे कई दफ़ा देखा जा चुका है जब एक प्रधानमंत्री के टेन्योर के अंतर्गत एक से ज़्यादा प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं। अब बात करते हैं कि जो फ्रांस है, यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। सबसे पहले तो राष्ट्रपति को चुनने के लिए यहाँ इलेक्शन प्रोसीजर अपनाया जाता है, चुनाव प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसके अंतर्गत वहाँ के नागरिक पार्टिसिपेट करते हैं। और ना केवल वहाँ के नागरिक, यानी वहाँ के जो मूल नागरिक हैं वो, बल्कि फ्रांस की नागरिकता प्राप्त करने वाले वे सभी लोग भी जो किसी और देश में निवास करते हैं, जैसे अपना इंडिया के अंदर जो पुदुचेरी है, यहाँ भी कई सारे फ्रांसीसी लोग होते हैं जो कि मेनली फ्रांस की नागरिकता प्राप्त किए होते हैं। जैसे कि पता होगा हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, जो पुदुचेरी है यह पहले फ्रांसीसी उपनिवेशवाद के अंतर्गत आता था, और प्रेजेंट टाइम पर भी जो पुदुचेरी है यहाँ कई सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जो नागरिकता है वो फ्रांस की है, तो उन लोगों ने भी इसके अंतर्गत वोट कास्ट किया था। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रपति चुनाव होता है फ्रांस में, इसके अंतर्गत जो भी उम्मीदवार होता है उसे देश के 500 मेयर का हस्ताक्षर करवाना पड़ता है। साथ ही साथ इन हस्ताक्षर को बाद में वहाँ का जो सर्वोच्च न्यायालय है, यानी फ्रांस का जो सुप्रीम कोर्ट है, इसके द्वारा उस पर अपनी मंजूरी दी जाती है, जिसके बाद राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण की कार्यवाही शुरू होती है। हालांकि जो राष्ट्रपति चुनाव है इसके अंतर्गत सामान्यतः 2 चरण आयोजित किए जाते हैं, लेकिन कई दफ़ा ऐसा भी केसेस देखने को मिला है जब केवल पहले चरण के तहत ही फ्रांस के नए राष्ट्रपति को चुन लिया गया है। ये होता कब है, यह असल में अगर कोई उम्मीदवार पहले चरण में ही 50% से ज़्यादा वोट हासिल कर लेता है तो वैसे कंडीशन में दूसरे चरण की नौबत नहीं आती है, लेकिन अगर किसी चुनाव में जो उम्मीदवार है वो अगर 50% से कम वोट हासिल करता है तो वैसे कंडीशन में दूसरा चरण का आयोजन किया जाता है, जिसके अंतर्गत वो उम्मीदवार जिसने सर्वाधिक प्रतिशत वोट दर्ज की हो, और साथ ही साथ वो उम्मीदवार जिसने जो कि सेकेंड पोजिशन पर है उसके अंतर्गत, तो उन दोनों के बीच फाइनली दूसरा चरण का आयोजन किया जाता है। इसके साथ ही साथ यहाँ के जो राष्ट्रपति होते हैं इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। हालांकि क्या पता है क्या, वर्ष 2000 से पहले फ्रांस के अंतर्गत जो भी राष्ट्रपति होते थे उनका टेन्योर 7 इयर्स का होता था। इसके साथ ही साथ फ्रांस के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति वहाँ के राष्ट्रपति के रूप में 2 बार चुना जा सकता है। अब ऐसे में आपने बताना है क्या भारत के अंदर भी ऐसा कोई नियम है, ऐसा कोई कानून है कि कोई एक व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में 2 बार 3 बार या फिर कितनी बार चुना जा सकता है। ऐसे में इसका आंसर आपने करना है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में। इसके साथ ही साथ जो फ्रांस के लोग होते हैं ये ईवीएम के तहत वोटिंग नहीं करते, बल्कि ये लोग बैलेट पेपर के तहत अपना वोट कास्ट करते हैं, और इनकी गिनती भी मशीनों के द्वारा नहीं बल्कि हाथों के द्वारा की जाती है।
इसके साथ ही साथ जो फ्रांस है इससे रिलेटेड कुछ बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जिनमें सबसे पहला आता है कि जो फ्रांस है यह क्षेत्रफल के हिसाब से यूरोप का सबसे बड़ा देश है, जबकि दुनिया का यह 43वां सबसे बड़ा देश है। इसके साथ ही साथ अगर पूछ लिया जाए दुनिया का क्षेत्रफल के मुकाबले में दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ये है रशिया। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो फ्रांस है यह दुनिया का पहला ऐसा देश भी है जिसने समलैंगिकता यानी कि जो होमोसेक्सुअलिटी है इसे कानूनी मान्यता दी है। इसके साथ ही साथ जो फ्रांस है यहाँ का एक म्यूजियम है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है लोवर म्यूजियम, और ये जो लोवर म्यूजियम है यह फ्रांस का सबसे पुराना और विश्व का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला संग्रहालय है। और अब चलते हैं हमारे आज के टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें देखते हैं। ऐसे में हमारा आज का सवाल है कि फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, इसका आंसर आपने हमें करना है नीचे कमेंट सेक्शन में। तो ऐसे में बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं आज का हमारे वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।